गुणों की खान नारियल। बच्चों, जमीन पर खुले छाती की तरह दिखने वाला, ऊंचाई में लंबा और देखने में सुंदर सा मैं नारियल का पेड़ हूं। मैं एक बहुवर्षीय एवं एक बीजपत्री पौधा हूं। मेरा तना लंबा तथा शाखा रहित होता है। मेरे तने के ऊपरी सिरे पर लंबी पत्तियों का मुकुट होता है। बांग्ला भाषा में लोग मुझे नारिकेल तथा संस्कृत में नालिकेल कहते हैं। मैं मुख्य रूप से समुद्र के तट पर पाया जाता हूं। भारत के प्रमुख रूप से केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता हूं। महाराष्ट्र में मुंबई तथा तटीय क्षेत्रों व गोवा में भी मेरी उपज होती है। मैं एक ऐसा वृक्ष हूं जिसका प्रत्येक हिस्सा उपयोगी होता है। मेरा नारियल पानी बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। किसी को मेरा पानी अच्छा लगता है तो किसी को मलाई। मेरा पानी हल्का और प्यास बुझाने वाला होता है। मेरा फल जब कच्चा होता है तब पानी से भरा होता है, जिसे डाभ कहते हैं। प्रकृति ने मेरे पानी की सुरक्षा के लिए अनूठा प्रबंध किया है। इसमें कोई गंदगी नहीं जा सकती। यही पानी जब सूख जाता है तब गरी बन जाता है। मेरा उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाने में किया जाता है, जैसे गरी के लड्डू, गरी की बर्फी और इडली डोसे के लिए चटनी आदि। मेरी गरी को कोल्हू में पेर कर तेल निकाला जाता है। नारियल की गरी को खोपरा भी कहते हैं। तेल की मालिश त्वचा तथा बालों के लिए बहुत अच्छी होती है तथा मस्तिष्क भी ठंडा रहता है। दक्षिण भारत में तो लोग मेरे तेल का प्रयोग खाना बनाने में भी करते हैं। मैं न केवल खाने में ही स्वादिष्ट होता हूं, बल्कि बेहद पौष्टिक भी हूं। मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन और खनिज होता है। गर्मी में यदि लू लग जाए, दस्त आने लगे, तो एक कप नारियल के पानी में पिसा जीरा मिलाकर पीने से तुरंत आराम मिलता है। मेरे पेड़ की यह मुख्य विशेषता है कि मैं लोगों को लाभ ही लाभ देता हूं। मेरे पत्तों का उपयोग लोग अपनी झोपड़ियों के छतों को बनाने में करते हैं। नारियल के फल के ऊपर उसे ढकने वाली जो लकड़ी होती है वह रेशेदार होती है। उसे कूटकर लोग रस्सियां बनाते हैं। इन रेशों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाने में भी किया जाता है। पायदान, चटाइयां आदि बनाने में भी रेशों का प्रयोग किया जाता है। मेरे पेड़ के तनों से काफी मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। उसका प्रयोग लोग घरों की दीवारों, मेज कुर्सी जैसे घरेलू उपयोग की चीजों को बनाने में करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खोल पर आधारित उत्पाद, लकड़ी पर आधारित उत्पाद मेरे ही ऊपर निर्भर है। मैं ज्यादा क्या कहूं। कोई भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान मेरे बिना संपन्न हो ही नहीं सकता। मैं बाहर से कड़ा और अंदर से मुलायम हूं। मुझे यूं ही श्री फल की संज्ञा नहीं दी गई। मुझे अपने ऊपर गर्व है, क्योंकि लोग मुझे गुणों की खान कहते हैं।